हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये निजमा का पार्ट टू व्लॉग है। पार्ट वन व्लॉग हमने निजमा फोर्ट पर बनाया है और मस्कत से निजमा तक कैसे आना है हमने फुल डिटेल में व्लॉग बनाया है। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है यानी पार्ट वन, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लाजमी वो व्लॉग देखिएगा। इस व्लॉग के बाद ये पूरी सूख है, यहाँ से ही गेट से ही स्टार्ट हो गई है फोर्ट के, तो ये सूख काफी बड़ी है। इस तरफ मिट्टी का बर्तन वगैरह है, मटका वगैरह है, शोपीस वगैरह है। निजमा सूख अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई है, जैसे ये मिट्टी की शोपीस वगैरह, ये मिट्टी के जितने भी बर्तन है ना, इसकी शॉप वगैरह एक तरफ है, और वेजिटेबल एंड फ्रूट की शॉप एक तरफ है, और गोट मार्केट अलग है, और खजूर की मार्केट अलग है। और इनमें से एक शॉप पर हम आए, ये मिट्टी की बॉटल है, इसकी प्राइस उन्होंने 3 रियाल बताया, और ये जो मिट्टी के मटके है ना जिसमें नल लगी हुई है, ये 13 रियाल उन्होंने बताया। और यहाँ पे सब फ्रिज के मैग्नेट वगैरह है, शोपीस है, क्वीन बॉक्स है, और इस तरफ छोटी छोटी कालीन वगैरह है जो कि शोपीस वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ये इतने छोटे से मटके की प्राइस 2 रियाल उन्होंने बताया, और कम करवाने पे 1 रियाल 500 देने में रेडी हो गए। और ये जो है ना फोर्ट का, ये 3 रियाल उन्होंने बताया। सबका प्राइस बहुत ज़्यादा ज़्यादा हमें लगा। यहाँ पे टूरिस्ट के हिसाब से प्राइस है हर चीज़ का, तो हमें सारी चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा लगा। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अली बाबा 40 चोर वाला मटका रखा हुआ है। अली बाबा 40 चोर में जिसमें चोर लोग छुप कर आए थे, जिस मटके में, वही वाला मटका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पूरा लाइन से। और यहाँ पे बखूर, बर्नल वगैरह सब है, मिट्टी का बना हुआ सारी चीजें हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ के लोग ही बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारी हैंगिंग लाइट है, पर इसका नाम क्या है आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इसका प्राइस 3 रियाल 6 रियाल ऐसे ऐसे बता रहे थे पर पीस का। और ये जो मटका है ना, इसका प्राइस भी 3 रियाल उन्होंने बताया। ये सिरेमिक का है, बना हुआ है, ये सब जितना भी कलरफुल मटका है, और इसका प्राइस 3 रियाल है। ये पत्थर है, और यहाँ पे भी पत्थर रखा हुआ है, इसका प्राइस भी 3 रियाल 500 पैसा है। यहाँ से हम चाह रहे हैं कि हम कुछ लें, लेकिन हमें प्राइस ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अली बाबा 40 चोर वाला मटका, पर इस मटके में चोर लोग नहीं है, खाली है ये मटका। अभी हम सूख के दूसरी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हर गेट पर ईस्ट सूख, वेस्ट सूख इस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ पे कैफेटेरिया है। और ये हम दूसरी तरफ आ गए हैं, ये ज्वेलरी सूख है। यहाँ पे सिल्वर की ज्वेलरी मिलती है, जो कि यहाँ के लोग खुद ही बनाते हैं। यहाँ से सामने निजमा फोर्ट है। निजमा फोर्ट पे हमने फुल डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये व्लॉग के बाद आप वो व्लॉग जरूर देखिएगा। निजमा सूख बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम तो पूरा नहीं देख पाए, बस हमने मिट्टी के बर्तन वाला एरिया कवर किया। और अभी हम दूसरी सूख की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं हम वहाँ क्या क्या कवर कर पाते हैं। और यहाँ पे कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पर, जो कि काफ़ी रश है यहाँ पर। ये निजमा सूख का गेट है, और यहाँ पे देखिए हुंडा की बाइक है ये। यहाँ पे ये वाली बाइक का बहुत कल्चर है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा चलाते हैं। हमें बहुत रोड पे दिखी ये वाली बाइक। हमने ये वाले गेट से एंट्री की, तो हम यहाँ पे खजूर वाली मार्केट पर आ गए हैं। यहाँ पे तरह तरह की खजूरें मिल रही हैं, और उन खजूरों का बना हुआ हलवा मिल रहा है। यहाँ पे जितनी भी ओमान की खजूर है ना, वो सब मिलती है। और ये हम कॉफ़ी शॉप पर आ गए हैं, यहाँ पे हमारे हस्बैंड को चाय लेनी है, तो वो चाय लेने के लिए आ गए हैं। और बेबी मायर ने एक लॉलीपॉप लिया यहाँ से। और यहाँ पे देखिए ये ओमानी हलवा मिल रहा है, ये हलवा खजूर का बना हुआ है। खजूर का हलवा यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, अरब के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
और इस तरफ कुछ एसेंस है फ्लावर का, ओरिजिनल फ्लावर का एसेंस, जिसकी कीमत 2 रियाल है ये वाली बॉटल की। सबका अलग अलग प्राइस था। और यहाँ पे चाय की पत्ती है, और ये अखरोट है, और ड्राई फ्रूट वगैरह है सब यहाँ पर। और यहाँ पे कॉफी वगैरह थी, चॉकलेट वगैरह थी, और यहाँ पे एंटिक शोपीस वगैरह मिल रही है, जैसे आप डोर वगैरह देख सकते हैं। और इस तरफ फ्रेश हरी सब्जियां मिल रही हैं, जैसे पालक है, मेथी का साग है, और यहाँ पे अनियन का साग है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फ्रेश मिलती हैं। ये सारी सब्जियां निजवा में उगाई जाती हैं। आप यहाँ पे अनियन, लेमन, पपाया, बनाना, अनार, लहसुन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी मार्केट में अंदर की तरफ ये ओमानी हलवा की शॉप है। यहाँ पे तरह तरह के हलवा मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, ओमान में बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये दिखाया गया है कि इसी में हलवा बनाया जाता है, तो इसे यहाँ पे मतलब बना के रख दिया है कि टूरिस्ट लोग आएंगे देखेंगे। और यहाँ पे स्क्रीन चल रही है, इसमें बनाते हुए दिखा रहे हैं। आप टेस्ट करिए। हाँ, यहाँ पर हलवा और कहवा दोनों रखा हुआ है टेस्ट के लिए। यहाँ पे ओमानी लोग हलवा के साथ कहवा पीते हैं, तो वही हस्बैंड यहाँ पर ट्राई कर रहे थे। असली खजूर के झाड़ का बनाया है, ये हिल रहा है। इस निजवा सूक में एक गोट मार्केट है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो काफ़ी पुरानी मार्केट है। उसमें बोली लगती है गोट की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और टूरिस्ट लोग आते हैं स्पेशल वही मार्केट देखने, जो कि फजर के बाद लगती है, सुबह 8 बजे तक रहती है। पर हम वो मार्केट नहीं देख सके, क्योंकि उस मार्केट के लिए हमें यहाँ पर फजर के टाइम ही पहुँचना होगा, जो कि हम दोपहर को घर से निकले और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें शाम हो गई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम फजर तक यहाँ पे आएंगे और उस मार्केट की खूबसूरती हम देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा।